فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المسلمين. المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بر محمد محمد. सिलसिला गुफ्तगु का ये छठा मरहला है और आय करीमा एक बुनियादी हैसियत रहती है हमारे मजहब हमारे अकीदे हमारे मसलक के लिहाज से. लेकिन जैसा कि मैंने हर मजलिस में अख्तियार किया है कि चंद जुमले अदा अहल बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा हूँ. कल मैंने अर्ज किया कि तीन पत्थर वो जो हज में होते हैं उसके बाद उस पर पत्थर बारे जाते हैं, ककरियाँ बारी जाती हैं, और जब काबे में ही मुसलमान आते हैं तो एक चौथा पत्थर मिलता है, उसकी ताज़ीम हो रही है, तकरीम हो रही है, उसको चूमने की कोशिश हो रही है. फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क हुआ नस्बत से, फ़र्क हुआ मानवियत से. तो यही सबसे बड़ी हकीकत है जिसको मुसलमानों के पेश नज़र रखना चाहिए. जो हमारे तबरुकात के ऊपर एतराज़ करते हैं, जो हमारे ताज़ियों पर एतराज़ करते हैं, आलम पर एतराज़ करते हैं, तो देखें कि बहुत सी पस्त चीज़ें भी, बेमरतबा चीज़ें भी, वो भी अगर किसी बलंद की तरह मंसूब हो जाए तो उस पस्त चीज़ में भी बुलंदी पैदा हो जाती, उस मामूली चीज में भी बुलंदी और मर्तबा पैदा हो जाता है. कोई उसका रुतबा नहीं, उसका कोई मर्तबा नहीं. खुद कुरान मजीद में मिसालें मौजूद हैं. अरे ऊंट की क्या ताजीम और तकरीम होगी, किसी भेड़ की क्या ताजीम और तकरीम होगी, किसी बकरी की क्या ताजीम और तकरीम होगी? नहीं. जब यही भेड़ और बकरी और ऊंट ये कुर्बानी के लिए लाए जाने लगे तब इनकी नस्बत बदल गई और अल्लाह ने इनको शायरे इलाही करार दे दिया. भरपूर तवज्जो, कहते कुरान से दलील लाइए, कुरान से दलील लाइए. बल बुदना जालना हलकुम मिन शायर इल्लाह, बल बुदना जालना हलकुम मिन शायर इल्लाह. हमने कुर्बानी के ऊंटों को तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी करार दे दिया है. कुरान है, हदीस नहीं है. तो ऊंट जो है वो शायर इलाही करार पा गए. वो मुअज्जिम शायर अल्लाह पर नाम तक्वल कुलूब, दूसरी आयत में यह है कि तुम ये शायर इलाही की ताजीम करो, ये तकवे की निशानी है. तो अब आप कहें कि भाई ऊंट में कौन से ताजीम तकरीम, लेकिन जब वो मंसूब हो गया एक बल शख्सियत की तरफ तो उसी में ताजीम और तकरीम पैदा हो गई. सिर्फ यही नहीं बल्कि गोसफंद के गले में जो रस्सी बंधी होती है जो कुर्बानी के लिए ले जाया जाता है, कहा उस रस्सी की भी ताजीम करो. एक सलवात भेजे वाला. तो जब ऊंट जनाब इब्राहिम और इस्माइल की तरफ मंसूब हो गया तो उसमें ताजी पैदा हो गई, बल्कि गले पे जो उसके रस्सी बंधी हुई उसमें ताजी में तकनी पैदा हो गई. तो जो दुलदुल नवासे रसूल की तरफ मंसूब हो जाए, जो ताबूत इमाम की तरफ मंसूब हो जाए,
जो जरी रोजे की तरह मंसूब हो जाएगा, उसमें ताजीम और तकरीब पैदा हो रही है, तो इस पर ताजुब न करना, ये ऐन कुरान के मुताबिक है और ऐन हुक्म इलाही के मुताबिक है। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। मेरी मिसालें जो होती हैं बहुत छोटी छोटी आम फहम होती मिसालें, कि जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी बात को समझ सकें। अगर बात वाजे नहीं होती है तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि छोटा बच्चा भी समझ सके। आप देखें कि मेरी जो है वो जुराबे पैर की जो है, जो पैर वो एक जहाँ रखी हुई थी मेरे बराबर में, एक साहब गुजरे उनकी ठोकर लग गई, उसमें पैर पड़ गया। मैंने उसको उठाकर दूसरी तरफ रख दिया, ना कोई जमीन पर शिकन पड़ी, न कोई लड़ाई झगड़े की नौबत कि आपने मेरी जुराबों पैर क्यों रख दिया। लेकिन अगर वहीं पर इस्त्री किया हुआ कुर्ता मौजूद था और कोई इस पर पैर रखता हुआ चला गया, तो साहिबान ज़ौक तशरीफ़ फरमा है कि इधर कुर्ते पर शिकन पड़ी, उधर मेरी जमीन पर शिकन पड़ी। इधर कुर्ते पर शिकन, उधर मेरी जमीन पर शिकन। अरे देख के नहीं चलते? और भैया आंखें नहीं है तुम्हारी? दिखाई नहीं देता तुम्हें? देखो नहीं मेरा कुर्ता रखा हुआ था, पैर रख के चले गए तुम्हें, मेरे को तमीज नहीं तुम्हें? मगर लड़ाई नहीं आई, सिर्फ जबानी तू तो कार होकर रहेगी। लेकिन वहीं के ऊपर अगर सर की पगड़ी रखी हुई है, सर की पगड़ी रखी हुई है, कपड़ा वही है कि जो कुर्ते में इस्तेमाल हुआ है, वही मटेरियल है कि जो मोजे में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सर की पगड़ी पर किसी ने पैर रखा और पैर रखकर चल दिया और मुझे मालूम हो गया कि जानबूझ कर रखा है तो लाठियां चल जाएंगी, कुछ तो खून की नौबत आ जाएगी, गद्दा पटखना हो जाएगा। क्यों? कपड़ा तो वही है। अरे तवज्जो, जो कहा जाता है कि अलम का फरेरा तो वही कपड़ा है, ये लकड़ी तो वही लकड़ी है, ये कागज तो वही कागज है, ये बात तो वही बात है। जब ये बात आपके सामने आता है तब तो नहीं चूमते, क्या बात होगी इसमें जब आप चूम रहे हैं? तो मैं कहूंगा आप क्या उसमें नस्बत का फर्क होता है, क्योंकि वो जुराबे पैर की तरफ मंसूब हैं, क्योंकि पैर पस्त होते हैं, उनमें कोई अजमत नहीं है। ये कुर्ता सीने की तरफ मंसूब है, सीना बुलंद होता है, लिहाजा कुर्ते में भी अजमत पैदा हो गई, और पगड़ी सर की तरफ मंसूब है जो सबसे ज्यादा बुलंद है, लिहाजा वहां के ऊपर लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो मेटीरियल वही है, नस्बत का फर्क हुआ है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। पेश कर दूं मुसलमानों के सामने, बहुत मिसाल है कि एक घर हमने बनाया, उस पर हमने मटेरियल लगाया जो लगता है सीमेंट है, ईंटे हैं, पत्थर है, उससे एक घर हमने बना दिया। अब वो घर हमने कहा कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, कोई अजबत पैदा हुई, कोई ताजीम, कोई तकरीम, कोई एहतियात, कोई एहतराम, क्योंकि मैंने कहा मेरा घर है, मेरा घर है। लेकिन अगर उसी मटेरियल से जिससे मेरा घर बना है, उसी मसाले से कि जिससे मेरा घर बना है, ईंट भी वही है जिससे मेरा घर बना है, हो सकता है भी वही हो सकता है मजदूर भी वही हो, एक दूसरा घर तैयार हुआ, तवज्जो है, मसाला वही है जो मेरे घर में, ईंटे वही है जो मेरे घर में इस्तेमाल हुई हैं, तमाम चीजें वही हैं जो मेरे घर में इस्तेमाल हुई हैं। हो सकता है मेहमान और बन्ना भी वही हो सकता है मजदूर भी वही हो, दूसरा घर तैयार हुआ। अल्लाह का घर है, हमने कहा ये मस्जिद है, इधर इधर नस्बत बदली, उधर अहकाम बदले। एक सलवात भेजे बोलना, निस्बत वही चीज है, कोई फर्क नहीं, ईंटे भी वही इस्तेमाल हुई है, हो सकता है उसी कंपनी की हो कि जिस कंपनी के घर में इस्तेमाल हुई है, सीमेंट भी उसी कंपनी की कि जो हमारे घर में इस्तेमाल हुई है,
मेमार भी वही हैं, मजदूर भी वही हैं, लेकिन हमने कह दिया कि अल्लाह का घर है तो अहकाम बदल गए। हम अपने घर में जिस हालत में भी दाखिल हो जाते हैं, कोई हुक्म नहीं, शरीयत का कोई हुक्म नहीं, लेकिन मस्जिद में हालत में जासूस में दाखिल नहीं हो सकते। अब हुक्म हो गया, घर में जूते पर चप्पले पहन के अंदर चले गए, कोई बेहतरामी नहीं हुई, लेकिन जो अल्लाह का घर है तो जूते चप्पले बाहर उतार कर अंदर आइए, इसका एहतराम फर्ज है। अरे जब भी जाइए तो दुनियावी गुफ्तगू ना कीजिए, जिक्र इलाही कीजिए, जब जाइए तो दो रकत नमाज नफिल कीजिए, एक सलवात भेजे बड़ा नवाज। उसमें सो नहीं सकते, सो नहीं सकते मस्जिद में, सोना मना सिवाय मुसाफिरों को छोड़कर, सोना मना उसके अंदर। तो उसके अलावा मानो तमाम अहकाम बदले, चीज वही है लेकिन सिर्फ नस्बत बदल गई है, तो सारे अहकाम बदल गए। तो अब यहाँ पर एक फर्क और करना चाहता हूं कि यहाँ के बहुत तवज्जो रहे, यहाँ पर हमने कहा है कि अल्लाह का घर है, अरे बहुत तवज्जो है, हमने कहा है कि यह अल्लाह का घर है, खुद अल्लाह ने नहीं कहा है कि ये मेरा घर है, अरे तवज्जो का ताले हूं, खुद हमने कहा अल्लाह का घर है, अल्लाह ने खुद आकर नहीं कहा कि ये मेरा घर है, अल्लाह का कोई फरमान नाजिल नहीं हुआ घर है, खुद हमने निस्बत दे दी कि अल्लाह का घर है, तो उसमें इतनी अजमत पैदा हो गई, उसमें इतना शरफ पैदा हो गया, उसमें पैदा हो गया, तो हम जिसको अल्लाह की तरफ निस्बत दे दें तो उसमें इतना मर्तबा पैदा हो जाता है, और अगर किसी घर को अल्लाह खुद की तरफ मंसूब कर ले तो उसमें कितनी अजमत और शरफ पैदा हो जाएगा। सलवात अगर किसी घर को अल्लाह खुद कह दे मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो उसमें कितनी अजमत पैदा हो जाएगी, कितना शरफ पैदा हो जाएगा। अरे काबे में जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं वो वही पत्थर हैं जो आम अरब के घरों में इस्तेमाल होते थे, वही तमाम चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, हजरत अस्वद को छोड़कर बाकी सारे पत्थर तो वही है कि जो अरब में इस्तेमाल हुआ करते थे, वही पत्थर है। और आप देखें, लेकिन उन्हीं पत्थरों से जब एक मकान तैयार हुआ और अल्लाह ने कहा ये मेरा घर है, वो मेरा घर है, तो नबी भी उस तरफ सर झुका रहा है, रसूल भी उस तरफ सर झुका रहा है, इमाम भी उस तरफ सर झुका रहे, पूरी दुनिया का सर उसकी तरफ झुक गया, क्योंकि अल्लाह ने खुद मंसूब कर लिया। एक सलवात भेजे बल आवाज। बस यहां पर एक फर्क और पेश करके इस पहलू को मुकम्मल करना चाहता हूं। आप देखें कि खुद काबे में अपनी कोई अजमत नहीं है, कोई खुद अपना जाती शरफ नहीं है, उन पत्थरों में कोई अपना जाती शरफ नहीं है। मैंने कहा हजर अस्वद जिसके लिए रिवायत है कि वो जन्नत से आया था, कुछ हजर अस्वद को छोड़कर बकिया जितने भी पत्थर उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें अपना कोई जाती शरफ नहीं, अपना कोई जाती मर्तबा नहीं, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया तो उसका इतना बहुत तवज्जो रहे, उनका उसका मर्तबा इतना बढ़ गया, उन पत्थरों का शरफ इतना बढ़ गया, उस इमारत का शरफ इतना बढ़ गया कि जिनमें जाती शरफ नहीं, जाती अजमत नहीं, जाती कमालात नहीं, जब उसको अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर ले तो उसका मर्तबा इतना बढ़ जाता है। तो अगर किसी में जाती शरफ भी मौजूद हो, जाती कमालात भी मौजूद हो, जाती फजीलतें भी मौजूद हो, जब उनको अल्लाह अपनी तरफ मंसूब करेगा तो उसका मर्तबा कितना बुलंद हो जाएगा। अरे काबे में जाती शरफ नहीं था, अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया, लेकिन रसूल में जाती शरफ भी मौजूद है, अरे तवज्जो है, जाती शरफ भी मौजूद है, जाती कमालात भी मौजूद है। जब अल्लाह ने इनको अपनी तरफ मंसूब करके कहा कि मैं अपने बंदे को लेकर जा रहा हूं, तो रसूल ही को मेराज मिल जाती है। एक सलवात भेजे बंदावास। काबा जमीन ही पर रह जाता है, रसूलुल्लाह काबा कौसर अदना की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और बस आखिरी जुमला नज़र करना चाहता हूं, हाँ काबे में अपना जाती शरफ नहीं है, जाती फजीलत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया है,
तो उसमें इतनी अजमत, इतना शरफ, इतना मर्तबा पैदा हो गया। लेकिन अली में जाती शरफ भी मौजूद है, जाती कमालात भी मौजूद है, जाती फजीलत भी मौजूद है। जब इनको अपनी तरफ मसूब करके नफ़ सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा तो उसी काबे को इनका सच्चा खाना बना दिया गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद, एक सलवात बलन आवाज से मोहम्मद मोहम्मद। तो अब ये न देखो, जब कहा जाता है साहब मजाक उड़ाया जाता है तो मजाक उड़ाने के लिए इस्लाम में तमाम चीजें मिल जाएंगी तुम्हें कि जो मंसूब है मगर जाती शरफ के बगैर बुलंद शख्स की तरफ जब मंसूब हुई तो उसमें अजमत पैदा हो गई, शरफ पैदा हो गया, मर्तबा पैदा हो गया। तो अब ये तो देखो कि ताजिया मंसूब किसकी तरफ है, ये न देखो कि कागज है, ये न देखो कि बांस की तीलियां हैं, ये देखो मंसूब किसकी तरफ है, ये न देखो कि अलम में सिर्फ अलम को जो फरहरा है उसमें सिर्फ कपड़ा है, ये देखो मंसूब किसकी तरफ है, ये न देखो कि दुलदुल और घोड़ा है, ये देखो कि मंसूब किसकी तरफ है। अगर मामूली चीज भी बुलंद की तरफ मंसूब हो जाती है तो उस मामूली शय में भी बुलंदी और अजमत पैदा हो जाती है। सलवात भेजे पर मोहम्मद। अब मैं चाहता हूं कि उस बुनियादी मौजू को जो मैंने इंतखाब किया, अगर जो बड़ा मुश्किल मौजू है और 73 फिरके जो बने हैं वो इसी मौजू की बुनियाद पर बन गए हैं कि वह है इमामत, वह है नियाबत, वह है खिलाफत, कि यहाँ के ऊपर एक आम तसव्वुर 73 फिरकों में 72 फिरकों का नज़रिया ये है कि अल्लाह ने खुद मुंतखब नहीं किया, रसूल ने खुद मुंतखब नहीं किया, बल्कि उम्मत मुंतखब न करना दलील बना, दलील नहीं है। देखिए अजीब चीज है, मैं चाहता हूं कि बात पहुंच जाए हमारे मुसलमान भाइयों तक, ये बात पहुंच जाए। अजीब दलील है, अजीब गरीब दलील है, ना अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, ना कोई ऐलान हुआ अल्लाह की तरफ से, ना रसूलुल्लाह की तरफ से कोई ऐलान हुआ, किसी को मुंतखब नहीं किया। क्योंकि मुंतखब नहीं किया अल्लाह ने, मुंतखब नहीं किया रसूलुल्लाह ने, और इमाम की जरूरत बहुत थी। तवज्जो रहे, दलील देखिए, दलील यही दलील, इसके अलावा कोई दलील नहीं है। ना अल्लाह ने मुंतखब किया, कोई ऐलान हुआ अल्लाह की तरफ से, ना रसूलुल्लाह ने मुंतखब किया, कोई ऐलान हुआ रसूल की तरफ से, ना अल्लाह की तरफ से ऐलान, ना रसूल की तरफ से ऐलान, लेकिन जरूरत बहुत थी। तो ऐलान न होना इस बात की दलील बन गया कि हमें इख्तियार दे दिया, हमें इख्तियार दे दिया कि हम खुद मुंतखब करें। तो सवाल यहां पर होता है कि जरूरत का एहसास मुसलमानों को हुआ कि कोई इमाम होना चाहिए, कोई रहबर होना चाहिए, कोई नायब होना चाहिए, लेकिन माजल्ला माजल्ला इसका एहसास ना अल्लाह को हो सका, ना इसका एहसास रसूलुल्लाह को हो सका। तो बताओ ज्यादा समझदार कौन निकला। एक सलवात भेजे वल्लाह। माजल्ला उम्मत की समझ में आ गया कि बड़ी जरूरत है, ना माजल्ला अल्लाह समझ सका कि बड़ी जरूरत है, ना रसूलुल्लाह की माजल्ला समझ में आया कि बहुत जरूरत है, उम्मत समझ गई कि बहुत जरूरत है। लिहाजा रसूलुल्लाह के दफ्न कफन में शरीक न होकर इंतखाब हुआ है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। और ये बात मैं कभी आज से 10-12 साल पहले इमाम बाड़े को भी पढ़ चुका हूं, तो इब्न हजर अस्कलानी और वो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, नहीं जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, कहते हैं किताब का नाम है सवाक़े मुहरिका। जलालुद्दीन सुयूती बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, वो अपनी किताब मशहूर जमाना किताब सवाक़े मुहरिका में ये बात तहरीर फरमाते हैं। और वो लिखते हैं कि शियत बहुत बढ़ती जा रही है, शियों के बातिल अकायद बहुत ही फरोख पा रहे हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि ऐसी किताब लिख दूं कि जो शिया अकायद पर बिजली बनकर गिरे और सारे अकायद शियों के जलकर राख हो जाए। इसलिए सवाक़े मुहरिका, जलाने वाली बिजलियां, किताब का नाम ही रख दिया उन्होंने, किताब का नाम ही रख दिया जलाने वाली बिजलियां, ताकि अकायद शियों के सब जलकर राख हो जाए। वो ऐसी किताब मैंने लिख दी है।
अब वहां पर वो लिखते हैं, दिफा करते हैं, लिखते हैं कि शिया इल्जाम लगाते हैं और ताना देते हैं कि साहब रसूलुल्लाह के दफ्तर कफन में शरीक उन्हें बास बुजुर्ग साहबा बास बड़े साहबा जो थे वो रसूलुल्लाह के दफ्तर कफन में शरीक नहीं हुए और जाकर सकीफा में उन्होंने इंतखाब कर लिया, यहाँ रसूलुल्लाह दफन हो गए और वो अपने इंतखाब करते रहे वहां पर। तो अब ये नहीं कहते कि शरीक हुए थे, नहीं कहा उन्होंने, को तो ये कहना चाहिए था शिया झूठ बोलते हैं, शिया गलत कहते हैं, शरीक हुए थे सबके सब शरीक हुए थे, झूठे हैं शिया, ये नहीं कहा उन्होंने, बल्कि शरीक ना होने की तावील दी, शरीक ना होने की तौजीह पेश की उन्होंने कि शिया नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों शरीक नहीं हुए। अरे तवज्जो चाहूंगा, सवा के मुहरका में अल्लाह में जलालुद्दीन सूती तहरीर फरमाते हैं कि क्यों शरीक नहीं हुए, इसकी वजह शिया नहीं समझ पा रहे। अरे भाई क्यों शरीक नहीं, क्या वजह थी? क्या देखिए रसूलुल्लाह की हदीस है, मन मातवलम यारिफ इमाम जमान ही माता मीतन जाहिलिया, अगर कोई मर गया और अपने इमाम जमा अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचाना तो जाहिलियत की मौत मरा। रसूलुल्लाह की हदीस कि जो मर गया और अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरा, ही है रसूल की हदीस। और अगर ये असहाबे किराम रसूलुल्लाह के दफ्तर कफन में शरीक हुए होते तो कम से कम 2-3 घंटे तो लगते, अरे बहुत तवज्जो, कम से कम 2-3 घंटे तो लगते इसमें, और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर इस 2-3 घंटे में किसी मुसलमान की मौत हो जाती, कोई दुनिया से रुखसत हो जाता तो मैदान हश्र में शिकायत करता कि कोई बाप था ही नहीं मैं जिससे मुंसलिक होता, जिससे तबस्सुख इख्तियार करता, जिसकी मारिफत करता, तो लिहाजा वो मुसलमान जाहिलियत की मौत मर जाता और इल्जाम हम पर आ जाता कि हमने मुंतखब नहीं किया, लिहाजा फुला मुसलमान जाहिलियत की मौत मर गया, लिहाजा जरूरी था कि जैसे ही रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हो वैसे ही इंतखाब हो जाए, फौरी इंतखाब हो जाए, फौरी इंतखाब हो जाए, लिहाजा मजबूरी के तहत, इसी मजबूरी के तहत बहुत से बुजुर्ग साहब वो तो कफन रिसालत में शरीक नहीं हो सके क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस थी कि अगर कोई मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने तो जाहिलियत की मौत मरा, लिहाजा जरूरी था कि फौरन इंतखाब हो जाए, इसलिए वो शरीक नहीं हो सके। तो चलिए हमने आपके उजू को मान लिया, आपकी तावील को मान लिया, आपकी तौजीह को मान लिया कि अगर 2-3 घंटे सोच के मसरूफ हो जाते यहाँ पर, उस जमाने में कोई मर जाता, इस दौरान में कोई मर जाता तो जाहिलियत की मौत मर जाता, लिहाजा रसूल के दफ्तर कफर को छोड़कर इंतखाब में शरीक हुए तो कम अज कम आपकी तावील को मान लिया, मगर कम अज कम ये बात तो साबित हो गई कि जमाना 2 घंटे के लिए भी बगैर इमाम के नहीं रह सकता, ये बात तो आपने साबित ही कर दी कि जमाना 2 घंटे के लिए भी बगैर इमाम के नहीं रह सकता, लिहाजा दफ्तर कफन छोड़कर इंतखाब में शरीक हो गए। तो मुझे बताइए कि जब 2 घंटे के लिए जमाना बगैर इमाम के नहीं रह सकता तो अब जो सदियों पर सदियां गुजर रही हैं, बताओ जमाने का इमाम कौन है? एक सलवात भेज दे मरदाबाद। तो 72 फिरके जवाब नहीं दे सकते, जवाब एक ही फिरका दे सकता है कि जिसका इमाम जमाना मौजूद है। एक सलवात भेज दे मुरादाबाद। ऐलान हो रहा है हमने उनको इमाम बनाया, हमने मुकर्रर किया, हमने बनाया। मैंने कल के मजलिस में अर्ज किया कि ऐलान हुआ जनाब इब्राहिम के लिए कि ला यनालु अहदुल ज़ालिमीन, इमामत शुरू हो रही है जनाब इब्राहिम से, और शर्त लगा दी गई
कि इमामत कभी किसी जालिम को नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि जुल्म जो है वो एक वो जुल्म होता है जो किसी दूसरे पर किया जाए, और एक जुल्म होता है कि जो अपने ऊपर किया जाए, और हर गुनाह जुल्म है, हर गुनाह जुल्म है। और जब हर गुनाह जुल्म है तो जिसने जिंदगी में एक बार भी गुनाह कर लिया वो फिर ओहदे इमामत के लायक नहीं है, फिर वो ओहदे इमामत के लायक नहीं है। तो और दूसरी चीज में ये है, खसूसियत ये है कि गुनाह कुछ जाहिरी होते हैं और कुछ छुप कर होते हैं। मैं घर के अंदर क्या कर रहा हूं किसी को नहीं मालूम, बाहर मैंने कहा कि शराब पीकर कोई लुढ़कता हुआ चला जा रहा है, आपने समझ लिया कि भाई शराबी है ये। कोई चोर पकड़ गया, आपने कहा ये चोर है ये। कातिल पकड़ गया, आपने कहा ये कातिल है ये। लेकिन अगर घर में छुप कर कोई पी रहा है, बाहर वालों को खबर नहीं, तो बाहर वालों को खबर नहीं मगर अल्लाह को खबर है, अल्लाह को मालूम है। तो हमारी निगाहों में पाक व साफ है, हमारी निगाहों में अच्छा है, मगर अल्लाह की निगाहों में गुनाहगार है। जब गुनाहगार हुआ तो जालिम हुआ, और अल्लाह ने कहा किसी जालिम को ओहदे इमामत नहीं मिलेगा। तो हम जाहिरी गुनाह देख सकते हैं, छुप कर गुनाह नहीं देख सकते हैं। अल्लाह वो है जो छुपे हुए गुनाहों का भी गवाह है। लिहाजा अब क्योंकि जाहिर गुनाहगार जालिम है और कुछ छुप कर गुनाह होते हैं, लिहाजा वो हम नहीं समझ सकते, सिर्फ अल्लाह समझ सकता है। इसीलिए ओहदे इमामत अल्लाह की तरफ है, क्योंकि कोई भी गुनाहगार को ओहदे इमामत नहीं मिल सकता, और अल्लाह देखता है कि कौन छुप कर गुनाह कर रहा है। लिहाजा अब ओहदे इमामत जो है हम किसी को नहीं दे सकते, सिर्फ अल्लाह दे सकता है, क्योंकि वो छुपे हुए गुनाह भी देख रहा है और जाहिर गुनाह भी देख रहा है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले और साहिबाने इल्म। पहलू अर्ज करना चाहता हूं, बहुत तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की। तो पहले ये तो साबित हो गया इससे कि छुप कर गुनाह कर रहा वो भी जालिम है। जब जालिम है जिसकी हमको खबर नहीं, लिहाजा अब अल्लाह ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली है कि ओहदे इमामत मैं दूंगा। फिर तवज्जो रहे, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है। आप देखें कोई कहे कि साहब चलिए वो मुशरिक था फिर मुसलमान हो गया, तो अब कहां वो मुशरिक रहा? बुत परस्त था, कलिमा पढ़ लिया, अब कहां वो बुत परस्त रहा? नहीं, तवज्जो है, बहुत तवज्जो चाहूंगे साहब अल इल्म खास तौर। कुछ सिफतें होती है जो वक्ती होती हैं, कुछ सिफतें वक्ती होती हैं, और कुछ सिफतें ऐसी होती हैं जो दायमी बन जाती हैं। अमल एक बार होता है मगर जात के साथ वो सिफत चिपक जाती है, छूटने नहीं पाती हो। जैसे मिसाल अरबी में कोई साहब बैठे हुए हैं तो अब क्या कहेंगे, जालिसुन हुआ, जालिसुन बैठा हुआ है, अब वो खड़ा हो गया तो हमने कहा हुआ कायमुन। अब जालिस उसको नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब वो खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, हमने कहा हुआ कायमुन। अब चलने लगा वो तो हमने कहा हुआ माशिन, वो चल रहा है, अब उसको हुआ कायमुन नहीं कह सकते। ये वो सिफतें हैं जो वक्ती होती हैं, जो बदलती रहती हैं। कभी बैठा हुआ है तो जालिस है, खड़ा हुआ है तो कायम है, चल रहा है तो माशी है, वो चल रहा है। तो ये सिफतें हैं जो बदलती रहती हैं, जात के साथ मुंसलिक नहीं हो जाती। लेकिन कुछ सिफतें ऐसी होती हैं कि एक बार भी अंजाम दे दिया तो जिंदगी भर वो सिफत छूटती नहीं है, वो चिपक जाती है जात के साथ। किसी ने एक बार चोरी की, सजा भी हो गई, वापस भी आ गया जेल से, लेकिन जब भी आएगा वो चोर आ रहा है। अरे भैया एक बार चोरी की थी 20 साल पहले, चोरी की थी, अब क्या भैया, अब तो सजा भी काट के आ गया, लेकिन जब आएगा महफिल में तो हरेक में चीमी गोइयां होंगी, चोर आ रहा है। अब कहा चोर है वो, क्या नहीं, एक बार अगर अंजाम दे दिया तब जिंदगी भर वो चोर ही कहा जाएगा, जिंदगी भर वो चोर ही कहा जाएगा। पहले तो तलवार से कत्ल होता था, नैदों से कत्ल होता था, अब किस तरह से होता है, हाथ में पिस्तौल है,
हल्का सा ट्रिगर दबाया, एक सेकेंड के हजारवें हिस्से में गोली निकली, सामने वाले के सीने पर पड़ी, वो कत्ल हो गया। ये कितनी देर के लिए कातिल है? एक सेकेंड के लिए। बहुत तवज्जो चाहूंगा, एक सेकेंड के लिए कातिल है भाई। एक सेकेंड के अंदर वो गोली चली, सीने में पड़ी, वो खत्म हो गया। तो एक सेकेंड के लिए कातिल है, एक सेकेंड के लिए कातिल है, मगर जब भी आएगा वो लोग कहेंगे कातिल आ रहा है, कातिल आ रहा है। हो सकता है कि वो रसा माफ भी कर चुके हो, अरे तवज्जो रहे, हो सकता है रसा माफ कर चुके हो, दियत ले ली हो, लेकिन आएगा जब भी तब भी यही कहा जाएगा कातिल आ रहा। अरे भैया 20 साल पहले एक सेकंड में इसने कत्ल किया था, अब ये इसमत कातिल कैसे हो गया? क्या नई जिंदगी भर ये सिफत इसके साथ लगी रहेगी? ये कातिल है, इसका मतलब ये है कि कुछ सिफतें वक्ती होती है और कुछ सिफतें दायमी होती है। एक बार भी बुत को सजदा कर लिया तब ये बन गया मुशरिक। अरे जब भी आएगा कहा जाएगा ये शिर्क कर चुका है। ये सिफत ऐसी है जो जात के साथ चिपक जाती है, फिर छूटती नहीं है, चाहे कलिमा क्यों ना पढ़ लिया हो। लिहाजा इमामत उसको नहीं मिल सकती कि जो जालिम हो, जिंदगी के किसी हिस्से में भी शिर्क किया हो, उसे इमामत नहीं मिलेगी। इमामत उसे मिलेगी जिसके लिए दुश्मन भी कह रहा करम अल्लाह वजह। अरे जिसने एक लम्हे के लिए भी कभी शिर्क नहीं किया, एक सलवात भेजे बदवार, एक सलवात बलंद आवाज सबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब किसी ने पूछा मौला से, मौला ये बताइए कि जुल्म के क्या मानी है? तो मौला ने बेहतरीन डिफिनीशन जुल्म की पेश की। आपने फरमाया कि जिस जगह का किसी को हक है उस जगह से उसको हटा देना, ये भी जुल्म है। जहां जिसको होना चाहिए वहां उसका ना होना जुल्म है, और जिसको वहां पर नहीं होना चाहिए उसका वहां बैठ जाना जुल्म है। एक सलवात भेजे बोले ना। अब उसकी भी सादा सादा मिसालें मौजूद हैं। चप्पलें काहे के लिए हैं? पैरों के लिए। पगड़ी काहे के लिए है? सर के लिए। अगर मामला उलट जाए, पैरों की चप्पलें सर पर आ जाए और सर की पगड़ी पैर में, तो यही जुल्म है। इसी को जुल्म कहा जाता है। ऐसे ही काम करने वाला जालिम कहलाएगा। नहीं, एक और मिसाल दे दूं। आप देखें कि अदारे के ख्याल रखना है मेंबर का, लिहाजा कि महबूब की जुल्फों के लिए बड़ी पूरी पूरी गजलें कही गई हैं। उसकी जुल्फों की तारीफ में, और कोई कह रहा है कि साहब उसमें हम तो फांसी पर लटक जाएंगे उन जुल्फों में, और कभी कोई कुछ कह रहा है शायर, कभी कुछ कह रहा है, कभी जुल्फों की इतनी तारीफ, बालों की इतनी तारीफ के साथ जान दिए दे रहे हैं महबूब के बालों के लिए। महबूब के बालों के लिए जान देने पर तैयार है, मगर यही बाल अगर सालन में निकल आए, जिसके लिए पूरी पूरी गजलें और पूरी पूरी नज़में आपने तारीफ में की हैं, यही बाल अगर सालन में निकल आए तो नफरत से निकाल कर फेंक देंगे उसे, नफरत से। अरे भाई, इसके लिए तो आप 10 हजार की गजल कह चुके। कहा ये उस वक्त तारीफ के काबिल था जब अपनी जगह पर था, अपनी जगह बदली, अब मजम्मत के लायक हो गया। तो ये न कहो कि हम असाब के मुखालिफ हैं, हम सबका एहतराम करते, मगर बस अपनी जगह पर रहे तभी काबिल एहतराम है। एक सलवात भेजे बनावास पर मोहम्मद, एक सलवात बनावास पर मोहम्मद। जगह से बेजगह हुए और काबिल मजम्मत बन गए। सलवात भेजे पर मोहम्मद। इस्मत शर्त है, धीमे धीमे पेश कर रहा हूं क्योंकि वो ये वो मजलिसें नहीं है कि जो 1 लाख के मजमे में हुआ करती थी, लिहाजा मैं धीमे धीमे बात को पेश कर रहा हूं ताकि मुझे मौका मिल गया है कि अपनी बात को पहुंचा सकूं।
वो 24 छक्के वाली मजलिसें नहीं है ये, बल्कि अब ये बात हो रहा है कि किसी बात पहुंच जाए। इस्मत शर्त है, मासूम होना शर्त है। इसके लिए मैं चाहूंगा थोड़ा वक्त लूं। इस्मत शर्त है, मासूम होना शर्त है, और हर इमाम मासूम होता है। ये पर बहुत बड़ा इल्जाम पर लगाया गया है, इस वक्त सिर्फ मखसूस है अंबिया के साथ। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि खुद बाद मुसलमान भी इस्मत अंबिया के कायल नहीं है, मासूम होने के कायल नहीं है, और कहते कि फला फला नबी से गुनाह हो गया, फला नबी से गुनाह हुआ, फला यहां तक रसूलुल्लाह से भी माजल्ला माजल्ला इस बात के कायल है कि शैतान माजल्ला उनको बहका लिया करता था, जबकि शैतान खुद इकरार कर रहा है कि लअग्निन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं सबको बहकाऊंगा, अक्सरियत को बहकाऊंगा। अरे तवज्जो रहे, शैतान कुरान में दावा कर रहा है कि मैं अक्सरियत को बहकाऊंगा, और दावा कुरान में मौजूद है, तो इसलिए अक्सरियत पर कभी किसी को नाज ना होना चाहिए। शैतान कह रहा है मैं अक्सरियत को बहकाऊंगा, अक्सरियत को अपने जाल में फांस लूंगा, और शैतान ही इकरार, इल्ला इबाद का मिनहुमुल मुखलसीन, सिर्फ उनको नहीं बहका सकता, वो मेरे जाल में नहीं आ सकते, वो मेरे दाम में नहीं आ सकते, जो तेरे खालिस बंदे हैं। कुछ लोग शैतान से भी आगे बढ़ गए, शैतान तो कह रहा है बहका नहीं सकता, और ये कहते हैं बहका लिया करता था, एक सलवार भेज दे बदावाद मिन, बहुत तवज्जो है, मिन हुमुल मुखलसीन, मुखलस एक है मुखलिस और एक है मुखलस। मुखलिस क्या है? जो अपने को खालिस कर रहा हो वह है मुखलिस, अपने को खालिस कर रहा वह है मुखलिस। अरे तवज्जो है, और मुखलस कौन है? मुखलस वो है कि जिसे अल्लाह ने खालिस बनाकर भेजा हो, इल्ला इबाद का मिनहुल मुखलसीन। हम लोग वो हैं जो मुखलिस कहला सकते हैं, लेकिन हमको मुखलस का लकब नहीं मिल सकता। मुखलस का लकब खुद बता रहा है कि जो अल्लाह की तरफ से आता है वो अल्लाह की तरफ से पाक और साफ आता है, मासूम आता है। एक सलवात भेजे नवाज पर मोहम्मद वाले ने। उमैर नाम की एक शख्सियत है, उसने जनाब छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के शागिर्द, और उनके लिए कहा कि मैंने उनकी जबान से इस्मत की ऐसी दलील सुनी है जो आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी। ये शाम इब्ने हकम, बहुत बड़े फलसफी, बहुत बड़े आलिम थे, इमाम के शागिर्द इब्ने उमैर नाम की एक शख्सियत, वो कहते हैं उनकी जबान से हमने जो इस्मत की दलील सुनी है अइम्मा के सिलसिले में, वो मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। पूछा को क्या दलील? अब सुनिए, वो दलील सुन लीजिए, बात में मुकम्मल करो। उन्होंने कहा, उन्हीं ने दलील दी कि चार चीजें ऐसी हैं जो गुनाह का सर चश्मा है, उसके अलावा कोई पांचवी चीज नहीं। बहुत तवज्जो चाहूंगा कि चार चीजें ऐसी हैं, हिशाम इब्ने हकम बयान कर रहे हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द, छठे इमाम के शागिर्द, वो बयान फरमा रहे हैं कि चार चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो हमेशा गुनाहों का सर चश्मा बनती हैं, इन चार से कोई पांचवी चीज आपको नहीं मिलेगी। एक चीज क्या है? लालच, हिर्स। लालच गुनाह का सर चश्मा बनती है। ज्यादा से ज्यादा दौलत मिल जाएगा, ईमानदारी से नहीं मिलेगी तो बेईमानी से मिले, चोरी से मिले, रिश्वत से मिले, डकैती से मिले, मिलावटी माल बेचकर मिले, नकली माल बेचकर मिले, मालवा के इंसान का खून देना था उसके बजाय भैंस का खून चढ़ा दिया, मर गया बेचारा मरीज, पैसे इनको मिल गए, उसकी जान गई, इनको रकम मिल गई। यह है लालच, यह है लालच। पुल ऐसा बनाया कि इसमें मसाला खराब लगा दिया, मगर पूरा पुल गिर गया, 100 आदमी मर गए, उनको पैसे मिल गए, इधर इंसानों की जाने चली गई। यह है लालच, यह हिर्स। हिर्स हमेशा लालच उसको होती है कि जिसके पास दौलत की कमी हो,
जिसके पास दौलत की कमी हो उसको हिर्स होती है, लालच होती है, लेकिन इमामों को कभी हिर्स हो ही नहीं सकती, कभी लालच हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कुदरत के खजानों के खजीनेदार हैं। कायनात का हर खजाना इनके कब्जे में है। ये मिट्टी को ठोकर मारे तो सोना बन जाती है, उनको किस चीज की लालच हो सकती है। एक सलवात भेजे वरनावास लाद। ये सोता बंद हो गया, ये चश्मा बंद हो गया गुनाहों का इमामों के सिलसिले में, क्योंकि पूरी कायनात के वो मालिक हैं। मैंने बहुत अर्से पहले मिसाल पेश की थी, यहां पर जल्दी चाहता हूं, अगरचे वक्त के दामन ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मैंने यहां पेश किया था कि लोग ये कहते हैं कि साहब इमामों ने हुकूमत हासिल करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की। इमामों ने कभी हुकूमत, देखिए हकीकत यही है कि अगर किसी का हक छिनता है तो कोशिश करता है कि उस हक को हासिल कर ले। किसी की जेब से अगर 100 रुपए भी निकाल कर कोई भाग जाए तो पहले तो बेचारा खुद पीछे दौड़ता है, जो खुद नहीं दौड़ पाता तो दूसरों से फरियाद करता है, देखो मेरे 100 रुपए लिए जा रहा है, पकड़ो इसको, ये मैं नहीं दौड़ पा रहा, तुम लोग पकड़ो इसको। तो किसी के जेब से 100 रुपए भी अगर कोई निकाल कर भागे तो उसकी कोशिश ये होती है कि 100 रुपए मिल जाए। इतनी बड़ी हुकूमत अहले बैत की चली गई, कभी कोशिश ही नहीं की। कोशिश न करना इस बात की दलील है कि उनका हक ही नहीं था। दलील सुन लीजिए, दलील जो है मुखालिफों की वो यही है कि उनका सही न करना, कोशिश न करना खुद इस बात की दलील है कि अगर हक होता तो हासिल करने की कोशिश करते। और हकीकत भी यही है कि मैंने कभी भी हुकूमत हासिल करने की कोशिश की ही नहीं, कभी नहीं की, बल्कि आती ही हुकूमतों को ठोकर मारा है तो दूसरों तक पहुंची है। एक सलवात भेजे वरनावास और मोहम्मद वाले। तो इस बात को दलील बनाया जाता है कि साहब अगर हक होता उनका, आप कहते हक था उनका, हक था उनका, अरे हक होता तो कभी तो कोशिश करते हासिल करने की। आप अपना हक हासिल नहीं करते, लाठी डंडों से हासिल कर लेते हैं, अदालत के जरिए से हासिल करते हैं, सिफारिशों के जरिए हासिल करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपका माल आपको वापस मिल जाए, लेकिन उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की। तो इसकी मैंने मिसाल दी थी आज से कई बरस पहले की बात है, मैं यहाँ फिर मिसाल देना चाहता हूँ क्योंकि मजलिसें जो है वो पूरी आलम में नशर हो रही है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये मिसाल पहुंचे पूरी दुनिया तक। आप देखें कि अब मैं लखनऊ शहर की मिसाल देना चाहता हूँ, हर बड़े शहर में मिसाल मिल जाएगी कि यहाँ सबसे महंगा जो बाजार है वो हजरतगंज, सबसे महंगा बाजार हजरतगंज। लखात में जाइएगा वो चीज 100 रुपए में मिलेगी, वही चीज आप अमीनाबाद में जाइएगा तो 200 में मिलेगी, वही चीज आप हजरतगंज में खरीदेगा तो 400 में मिलेगी। अब खरीदने वाला समझ रहा है कि अगर मैं लखात से खरीदूंगा तो यही चीज 100 रुपए में मिलेगी, मालूम है उसे, लेकिन क्योंकि हजरतगंज से खरीदना स्टेटस सिंबल है, अरे मैं हजरतगंज से लेकर आया हूं तो अब मालूम आप रो पड़ रहा है भाई हजरतगंज से लेकर आया बड़ा दौलतमंद है, तो बड़ा सरमायादार है, जबकि खरीदने वाले को भी मालूम है कि यही नखास से अगर खरीदेंगे तो 100 रुपए में कुल कहता नखासी माल है, बेइज्जती हो जाएगी, लिहाजा वो हजरतगंज से खरीद रहा है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि कोई बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े दौलतमंद हैं, एक इंतहाई कीमती कार से वो उतरे हजरतगंज में, इंतहाई कीमती कई करोड़ की वो कार थी, उससे हजरतगंज में उतरे, जेब से उन्होंने बटवा निकाला, और अब तो खैर वो मिसाल बदल गई, मैंने पहले मिसाल दी थी नोटबंदी से पहले की मिसाल दी मैंने उस वक्त कहा था कि 1000 का नोट उन्होंने अपने बटवे से निकाला तो अब 1000 का नोट ही खत्म हो गया, लिहाजा मिसाल बदलना पड़ेगी कि बल्कि 2000 का नोट उन्होंने अपने बटवे से निकाला, उन्होंने इत्तेफाक से एक अठन्नी भी उस पर पड़ी हुई थी बटवे में, जब 2000 का नोट उन्होंने निकाला कि अपने नौकर को देने के लिए जाओ सामने दुकान से फला चीज खरीद लाओ, तो इत्तेफाक से उस बटवे में एक अठन्नी भी थी, जब 2000 का नोट निकाला तो वो अठन्नी इत्तेफाक से बटवे से निकली सड़क पर गिरी और सामने लुढ़कती हुई नाले में चली गई। अब मुझे इतना बता दीजिए कि जो इतना बड़ा सेठ हो, इतना बड़ा दौलतमंद हो, फिर उसका बटवा बता रहा हो कि उसमें कितने नोट भरे हुए हैं, करोड़ों की गाड़ी से नीचे उतरा हो, पता नहीं कितना तिजोरी में भरा हुआ है, पता नहीं कितना बैंक बैलेंस उसका है, अगर एक अठन्नी उसके बटवे से गिर कर नाली में चली गई तो क्या दौड़कर आगे जाएगा और जाकर उसे नाली में ढूंढेगा कहां गई अठन्नी,
नहीं नहीं वो तो पलट कर भी नहीं देखेगा कि किधर गई। अरे तवज्जो रहे, वो पलट कर भी नहीं देखा कि किधर गई, क्योंकि उसकी निगाहों उस अठन्नी की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि उसके खजाने तो पहले से भरे हुए हैं। वो पलट कर नहीं देखा किधर गई, तो जिनके खजाने पहले से भरे हुए वो पलट पर करके भी नहीं देखेंगे कि वो अठन्नी किधर जा रही है। अब जुमले पर तवज्जो रहे, लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ वही एक अठन्नी है, किसी की पूंजी वही कुल एक अठन्नी है, तो वो तो ढूंढेगा कि किधर गई। बस यूं ही समझ लो कि जिनकी हुकूमत पूरी कायनात पर कायम है, अगर कोई छोटी सी हुकूमत ले जा रहा है तो उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा कि कौन ले गया। एक सलवात भेज दे बलराम मोहम्मद वाला, पूरी बाला नहीं हकीकत है कि पूरी कायनात के ऊपर अल्लाह ने इनकी हुकूमत कायम कर दी है। अरे अब्र ने साया फिगर होकर बताया कि इनकी हुकूमत अब्र के ऊपर भी है। अरे पत्थरों ने हाथ पर तस्बीह पढ़कर बताया कि इनकी हुकूमत जमादात पर भी है। उंगली के इशारे पर दरख्तों ने हरकत करके बताया कि इनकी हुकूमत नबातात के ऊपर भी है। और हाथ के धोवन ने पानी बनकर और मिसल्ले के पानी के ऊपर बिछ कर बताया कि इनकी हुकूमत पानी के ऊपर भी है। एक सलवात भेज बलनावास बर मोहम्मद वाले, एक सलवात बलनावास बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो चारों आखिरी सिलसिले के, मैंने कहा कि जिसकी हुकूमत पूरी कायनात पर हो वो छोटी सी हुकूमत की क्या हकीकत समझेगा। वो दो तीन मिसालें पेश कर दूं। अरे जिसके कब्जे में पूरा समंदर हो वो एक कतरे की क्या हकीकत समझेगा, और जिसके कब्जे पूरा सहरा हो वो एक जर्रे की क्या हैसियत समझेगा, और जिसकी ठोकर से मिट्टी सोना बन रही हो वो दुनिया के खजानों की क्या अहमियत समझेगा। पूरी तवज्जो रहे। अरे जिसके इशारे पर डूबता हुआ सूरज पलट रहा हो वो दुनिया की डूबती हुई हुकूमतों की क्या हकीकत समझेगा, और जिसके कदम मोहरे नबूवत पर आ रहे हो वो तख्त हुकूमत की क्या हैसियत समझेगा। एक सलवात बर मोहम्मद, एक सलवात हकीकत यही है कि अल्लाह ने इनको पूरी कायनात पर हुकूमत दी है। ये हाकिम कायनात हैं, इनके इशारों पर पूरी कायनात चलती है। लेकिन कभी कभी जब इम्तिहान का मौका होता है तो इन्हीं इख्तियारात को ये इस्तेमाल नहीं करते। आप देखें कि अगर मुमकिन था कि कोई अली की गली के पर रस्सी बांध सके, इम्कान पजीर था, लोग कहते इतना बहादुर इतना शुजा, और आप कहते गले में रस्सी। नहीं, बहादुर और शुजा थे, लेकिन शजात कहते ही उसको हैं कि जो अल्लाह के हुक्म की ताबे हो, जो हुक्म इलाही के ताबे हो। खैबर उखाड़ना भी अल्लाह के हुक्म के तहत, और गले में रस्सी बंधवा लेना भी, ये भी अल्लाह के हुक्म के तहत था। यही के ऊपर एक रिवायत मौजूद है जो करना चाहता हूं कि जिस वक्त मौला अली गले में रस्सी बंधी हुई मदीने की गलियों में फिर आया जा रहा था, तो दो यहूदी भी मंजर देख रहे थे, जहां मुसलमान देख रहे थे और यहूदी मंजर देख रहे थे। जैसे ही मौला अली को देखा गले में रस्सी बंधी हुई है और मदीने की गली भी खींचा जा रहा है, तो एक यहूदी बुलंद आवाज से बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलीयन वलीउल्लाह। बेसाख्ता उसने कलिमा पढ़ा, मौजूद है रिवायत, मौजूद है मोतबर तरीन किताबों में रिवायत मौजूद है। बेसाख्ता उस यहूदी ने कलिमा पढ़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह वलीउल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह मेरा माबूद है, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद मेरे रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं। लोगों ने हैरत से कहा अरे भाई, इससे पहले तुमने तो कलिमा नहीं पढ़ा,
अरे यही अली तो थे इन्होंने बद्र फतह किया था, यही अली तो थे इन्होंने उहद फतह किया था, अरे यही अली तो थे इन्होंने तुम्हारा सबसे मजबूत किला खैबर अकेले फतह कर लिया था और दो उंगलियों से दर खैबर उखाड़ लिया था। उस फतवे कलिमा पढ़ना चाहिए था, जो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे, जो अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे, अरे ये कौन सा मौका था कलिमा पढ़ने का जब अली के गले में रस्सी बंधी हुई है। क्या गले में बंधी हुई रस्सी ही इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह की तरफ भेजे हुए नुमाइंदे हैं। क्योंकि जिसमें इतनी ज्यादा ताकत हो कि दर खैबर को उखाड़ ले उसमें किसी में हिम्मत नहीं हो सकती कि उसके गले में रस्सी बांधे। इसका मतलब है खैबर का उखाड़ना भी अल्लाह की मर्जी से था, गले में रस्सी बंधवाना भी अल्लाह की मर्जी से था, ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं, इससे साबित होता है। लिहाजा मैं कलिमा पढ़ रहा हूँ। हाँ, इसीलिए इमाम हसन मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं, यहां तक कि दुनिया देख रही है कि करबला का मैदान है और हुसैन जुल्म पर जुल्म सितम पर सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर मौला इशारा कर देते तो फरात कदमों में आ जाती, फरात कदमों में आ जाती, बादल आ जाते, करबला का सहरा जल थल हो जाता। मगर बशियत इलाहिया के पाबंद है, मसलहत इलाहिया के पाबंद है, लिहाजा प्यासे भी हैं और भूखे भी हैं, मगर अकेले नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं, मासूम सकीना भी प्यासी है, 6 महीने का अली असगर भी प्यासा है और 18 बरस का अली अकबर भी प्यासे हैं। सबकी प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि मसलहत इलाहिया है। वो दुनिया को ही बता रहे हैं कि हमको मजबूर ना समझना, हम मजलूम जरूर हैं। आज का दिन वो दिन है कि जो मखसूस है एक शहादत के साथ, आज हमें इमाम हुसैन को खुसूसी पुरसा देना है क्योंकि उनका वो फर्जंद कि जो हूबहू शबीह रिसालत है, जिसको जबान इसमत सनद दे रही है कि पाले वाले तेरी बारगाह में वो हदिया पेश कर रहा हूं, जो सूरत में सीरत में रफ्तार में गुफ्तार में किरदार में तेरे रसूल की हू बहु शबी है। रिवायत है एक यहूदी आया इमाम हुसैन की खिदमत में और कहा कि बड़ी मुझे हसरत थी कि मैं आपके जद की ज्यारत करूं, मगर मेरी किस्मत में नहीं था कि उनकी ज्यारत हो सके, मैं महरूम रह गया उनकी ज्यारत से, आपकी जद की ज्यारत से। इमाम ने फरमाया मेरे नन्हे से अली अकबर को ले आओ। जनाब अली अकबर लाए गए, आगोश पे बैठे, कहा यहूदी तुझे तमन्ना थी कि रसूल की ज्यारत करे, अरे ये मेरा बच्चा हो बहुत तस्वीर रिसालत है, इसकी ज्यारत कर लो, तुमने रसूल की ज्यारत कर ली। तसव्वुर कीजिए कि वो बच्चा जो हो बहुत तस्वीर रिसालत हो हुसैन को कितना अजीज होगा, इमाम हुसैन को वो कितना मोहतरम होगा। यही वजह है कि जब जनाब अली अकबर आए हैं सामने हाथ जोड़कर, बाबा मरने की इजाजत दीजिए, बाबा मरने की इजाजत दीजिए, हुसैन ने फरमाया ये बेटा किस दिल से इजाजत, तुम तो मेरे नाना की शबी, अरे जब भी मैं नाना की ज्यारत का मुश्ताक होता था तो तुम्हारी ज्यारत करता था, तो मैं कैसे इजाजत दूं। रिवायत कहती है जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन के कदमों पर सर रख दिया, बाबा मरने की इजाजत दीजिए, बाबा मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने इजाजत तो दे दी, इजाजत तो दे दी, मगर हमीद इब्ने मुस्लिम जो दुश्मन का राजी है वो लिखता है कि पूरे वाकये करबला में मैंने इतनी मायूसी हुसैन के चेहरे पर कभी नहीं देखी जो उस वक्त देखी कि जब अली अकबर को इजाजत दी। ये बेटा अगर जाना ही चाहते हो तो अहले हरम से रुखसत हो लो, बीबियों से रुखसत हो लो, किसी से नहीं कहा कि अहले हरम से रुख्सत हो, सिर्फ जनाब अली अकबर के लिए मिलता है कि अहले हरम से रुख्सत हो। जनाब अब्बास गए थे खेमों में मगर मशके सकीना लेने गए थे, रुख्सत होने नहीं गए थे, अकेले तनहा जनाब अली अकबर हैं तो जिनके लिए इमाम हुसैन फरमा रहे हैं ये अली अकबर अहले हरम से रुख्सत हो लो। चाहते थे कि बीबियां भी आखिरी बार तस्वीर रसूल की ज़ियारत कर ले। हमीद कहता है अली अकबर खेमे के अंदर जाते हैं,
मगर निकलने में ताखीर हो रही है, निकलने में ताखीर हो रही है। वो कहता मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आखिर अली अकबर के निकलने में इतनी ताखीर क्यों। कहता मेरी निगाह ख्याम हुसैन की तरफ उठी तो मैंने एक अजीब मंजर देखा कि अली अकबर खेमे से निकलना चाहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां अली अकबर के कदमों से लिपट जाती हैं, अली अकबर को वापस ले जाती हैं। अब ये दुश्मन के जुमले हैं, वो लिखता है कि अली अकबर खेमे से ऐसे निकले कि जैसे किसी भरे घर से जनाजा निकलता। जनाब अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ दी, चाहते हैं कि जल्द से जल्द दुश्मन पर हमला करें। घोड़ों की टापों की आवाजें हैं, असलहों की झंकारों की आवाजें हैं, तबले जंग की आवाजें हैं। इन्हीं तमाम आवाजों में अली अकबर के कान में आवाज आती है, वाली अकबरा वाली अकबरा। अब जो पलट कर देखा, देखा बूढ़ा बाप कमर थामे पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला रहा है, पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा है। अली अकबर ने घोड़ा रोका, ए बाबा आप तो मरने की इजाजत दे चुके हैं, आपको ये क्या हाल हो रहा है। ए बेटा अगर तुम भी साहब औलाद होते तो तुम्हें अंदाजा होता कि एक बूढ़े बाप पर एक जवान फर्जन की जुदाई का क्या असर होता है। जनाब अली अकबर जाते हैं, रिवायत में है कि 17 हमले किए अली अकबर ने, तस्करे जनाब अली अकबर 2 मिनट की जहमत है, 17 हमले किए जनाब अली अकबर ने। हर हमले के बाद पलट कर आकर कहते थे, बाबा आप देख रहे हैं मैं कैसी जंग कर रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं कैसी जंग कर रहा हूं। कहा अली अकबर मैं देख रहा हूं तो कैसी जबरदस्त तुम जंग कर रहे हो, तुमने दिखा दिया खान बहादुर रिसालत के जवान कैसी जंग करते हैं। कहा बाबा मगर अजीब बात है, जब भी मैं बहुबल के हमले करता हूं पहली से किसी की आवाज आती है, अली अकबर ऐसे ही जंग की जाती है, पहलू से किसी की आवाज आती है, ए बाबा ये किसकी आवाज है। इमाम फरमाते मेरे बाबा अली तुम्हारी जंग देखने के लिए नजर से आ गए। हाँ दादारो, अब जब आखिरी हमला करना था जनाब अली अकबर को, अब इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं, बाबा आलम यह था कि जरा की कड़ियों से खून उबल रहा था। खिदमत में आए, बाबा अगर कहीं से थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अब भी मैं दिखा दूं कैसी जंग होती है। अब हुसैन के दिल से पूछिए कि हुसैन के दिल का क्या हुआ होगा। नहीं नहीं, 1 मिनट की जहमत है। रिवायत कहती है कि जब से जनाब अली अकबर पैदा हुए थे, जनाब जैनब ने अली अकबर को मांग लिया था और कहा था इस बच्चे की मैं परवरिश करूंगी। और इमाम हुसैन जब कभी जनाब अली अकबर से कहते थे कि बेटा अली अकबर तुम तो कभी मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करते, तुम तो मुझसे कभी कोई चीज मांगते ही नहीं, तो जनाब अली अकबर ने जवाब दिया था, बाबा मुझे किसी चीज के मांगने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, मेरी फूफी की निगाह मेरे चेहरे पर रहती है, वो मेरे चेहरे से समझ जाती है कि मुझे किस बात की जरूरत है, वो चीज फराहम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि बाप की हैसियत से हुसैन की तमन्ना थी कि अली अकबर कुछ मांगे, पहली मरतबा अली अकबर कुछ मांग रहे हैं, वो भी पानी जैसी बावली चीज। अब तो तसव्वुर करो शहर के दिल का क्या हुआ होगा। और बस आखिरी जुमले अदा दारो, शायद किसी पर ये गुजरी हो, शायद किसी पर सुनने वालों में और देखने वालों में शायद कभी किसी पर गुजरी हो कि अगर बेटा औलाद बीमार हो बिल्कुल, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, मालूम हो कि बस चंद लम्हों का मेहमान है ये, उसी आलम में वो बच्चा किसी बात की फरमाइश कर दे, उस आलम में जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, जब माँ बाप को मालूम है कि बच्चे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, उस आलम में वो बच्चा कोई फरमाइश कर दे तो माँ बाप अपने को बेच कर वो फरमाइश पूरी करेंगे, और अगर वो फरमाइश पूरी ना हो तो जिंदगी भर दिल पर दाग रहेगा कि आखिर वाल बच्चे ने फरमाइश की हम पूरी ना कर सके। हुसैन समझ रहे अब जो अली अकबर जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। उस वक्त अली अकबर फरमाइश कर रहे हैं, बाबा कहीं से थोड़ा सा पानी मिल जाए। अब तसव्वुर करो हुसैन के दिल का क्या हुआ होगा। थोड़ी देर बाद कानों में आवाज आई,
اے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے زمین پر بیٹھے علی اکبر کے قریب پہنچے، دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اے بیٹا کیا اذیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں، بابا کوئی تکلیف نہیں۔ ارے اگر اذیت نہیں تو اتنا طلب کیوں رہے ہو، اگر اذیت نہیں تو اتنا بے چین کیوں ہو، اتنے طلب کیوں رہے ہو؟ ارے جو اذیت ہو بتا دو، جو تکلیف ہو بتا دو۔ جب حسین نے بہت اصرار کیا تو علی اکبر نے کہا بابا آپ کا اصرار ہے تو سنیے، کہ جب قاتل نے سینے پر برچی ماری تو برچی سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو برچی کی یعنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے۔ اے بابا اگر ہو سکے تو یہ برچی کی یعنی نکال دیجئے، کیونکہ بڑی تکلیف اور بڑی اذیت ہے۔ حسین نے آستینے پلٹی، یا علی کہہ کر برچی کی یعنی پر ہاتھ رکھا، برچی کی یعنی پر ہاتھ رکھا، بولا آخری جملے سنیے، برچی کی یعنی پر ہاتھ رکھا، برچی کی یعنی پر ہاتھ رکھا تو برچی کی یعنی ہلی، برچی کی علی ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا، کلیجہ علی اکبر ہلا تو جس میں علی اکبر لڑنے لگا۔ حمید کہتا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بلند بالا قد کی بیوی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر کہتی ہوئی آئی اور اپنے کو علی اکبر پر گرا دیا۔ حمید کہتا ہے کہ یہ حسین کی بہن زینب ہیں، پتا آخری جملے عزادار ہو، حسین کی بہن زینب ہیں جو آئی تھی اور علی اکبر کی لاش پر اپنے کو گرا دیا تھا۔ حمید کہتا ہے واقعہ کربلا میں صرف دو بار زینب خیمے سے باہر نکلی ہیں، ایک تو وہی وقت تھا جب علی اکبر شہید ہوئے، اپنے کو لاش علی اکبر پر گرا دیا، اور دوسرا وقت وہ تھا کہ جب زمین کربلا ہل رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں چھل رہا تھا، کوئی منادی آواز دے رہا تھا، اللہ کو تلل حسین بن کربلا، اللہ زبیر حسین بن کربلا۔ وہ کہتا ہے میں نے پھر دیکھا وہی بی بی پھر خیمے سے باہر نکلی، واہ حسینہ، واہ حسینہ کہتی ہوئی، مگر کہتا عجیب بات ہے جب علی اکبر کے لیے نکلی تھی تو کالی چادر اوڑھے ہوئے تھی، مگر جب حسین کے لیے نکلی تو سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے۔ امیر کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بہن بھائی کی لاش پر جا رہی ہے سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے، جب یہی بات چوتھے امام سے کہے گی، انہوں نے سر پیٹ کر کہا ارے سرخ رنگ نہیں تھا، یہ علی اکبر کے سینے کا خون تھا کہ جس سے پوری سیاہ چادر سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔